जी बेगम साहब और जेड़ा नाश्ता बना रहे हैं, लेकिन जेड़ा ना आज बहुत ही ज्यादा जेड़ा ना मुश्किल है, क्योंकि हवा काफी ज्यादा जेड़ी की ना तेज है, पर वो मंजा जेड़ा ना वो भी खड़ा किया, लेकिन फिर भी जेड़ा ना आग सही नहीं बाल रही। एक तो गट्टा बहुत ज्यादा उड़ रहा है, एक जेड़ा ना धुआं जेड़ा ना वो बनया खड़ोता। और मसाला थोड़ा बना रहे हैं, क्योंकि डेली बोरी का मसाला जेड़ा ना बना लेने हैं, तो शाम तक जेड़ा ना मसाले की अगली मजबूती नहीं रहेगी। केड़ा पलक भाई और भी जेड़े ना त्राई कीती खड़े मिस्त्री दा, मैं कह पानी पा लिया रल तक गया होना सही है ना, हाँ थोड़ा मसाला जल्दी तैयार भी हो जाना। और चूचिया नु जेड़ा ना मैं कढ़ता 3-4 दियाँ, 3 फुट चौड़ी 4 फुट उच्ची, ठीक है ना, तो ये शीशा लवा देवे। एक तो मतलब जो खाना वगैरह पकाने लगे ताजी हवा होगी, ए ना जो बरांडा पै जाना इधर हवा वगैरह बिल्कुल बंद होगी, किचन हवादार नहीं होना, क्योंकि अंदर जो अग बड़ी करेगी ना गर्मिया च भावे सर्दियाँ सेका बहुत बनेगा एवं ना, अदरों होगा हवा वगैरह ताजी आई करेगी, बारिश वगैरह आ गई तो बारी वगैरह बंद कर ली करा गया। वार भी जेड़े माशाला मुकम्मल जेड़े नोए खुते, बस 5-6 वार जेड़े उपर होर जेड़े दिपने ने, फिर जेड़े होगा काले दिको वारी जेड़े सारा टोटल लंटर फिरेगा, फिर अस चने जेड़े ना मिलने। और मुर्गे भी जेड़े ना इतने फिर रहे, और वाकई इतने जो बारी लगेगी ना पर फुल वगैरह खिले हुए बन गए, ताज़ा हवा आई करेगी, बड़ा ही खूबसूरत जेड़ा माहौल इतों बारी वाला जेड़ा ना बनेगा। और अज इंशाल्लाह जेड़े ना इतों बारी जेड़ी की ना रखी जानी है। अर्रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दुआ करन तमाम बहन भीरां जिथे रहन खुश रहन बात रहन, हमेशा से मुस्कुराते रहन, अलहमदुल्ला मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ, सारा पहले सारे बहन भाई सुबह खैर। और अज इंशाल्लाह इत्थे जेड़ा ना लंटर वगैरह जिस पाया जाएगा, बारी जेड़ी ना जेड़ी ए रखी है ना 3-4 दी, मतलब कि 3 फुट चौड़ी और 4 फुट जेड़ी उच्ची, इधरों भी जेड़ी ना बारी एक एडी जेड़ी ना रखनी है गार्डन वाली साइड लो भी 3-4 दी, मतलब 3 फुट चौड़ी होगी 4 फुट जेड़ा ना उच्ची होगी, क्योंकि 4 फुट दी नहीं रख रहे क्योंकि कमरा जेड़ा ना छोटा, क्योंकि वह बड़ा कमरा उनके जेड़ा कि ना 4 फुट की बारी रखी है। और इधरी साइड काफ़ी सारे बहन भाई कमेंट करके आख्या कि तुम बारी जेड़ी ना इस साइड रख लो, लेकिन जी वाकई ये सैडल जो है ना काफ़ी खूबसूरत लगेगी, लेकिन किचन जो है हवादार भी होगा, मतलब कि इधरों जो बरांडा वगैरह जो है ना छती जाना ना सारा टोटल, इधरों इंज करके दीवार उसर जानी है, इतों दरवाज़ा लग जाना पिछे का करके, अगों सारा बरांडा वगैरह जोड़ा कहना बन जाना, तो इतों जी ना बारी मतलब कि इधरों हवा वगैरह जी किसी किस्म की किचन चाहनी कोई नहीं, अग वगैरह जो बड़ी करेगी ना तंदर गर्मियों काफ़ी सारा सेक वगैरह जोड़ा ना गर्मी बनी करेगी, इस करके जेना इधरों भी बारी जेड़ी एक रख लेना, मिस्त्री ने जेना मशवरा किया, भाई ने जेना मशवरा किया, उन्हें कोई नहीं किसी किस्म की कोई दीवार कमजोर नहीं होती, इधरों जेड़े ना 3 फुट की बारी रख लो, और इधरली साइड तू जेड़ा कि ना 3 फुट की बारी जी रख लो। और शाम की जेना ना माशाल्लाह काफ़ी हवा जेड़ी कि ना चली हुई है मट्ठी मट्ठी जी ना, और ठंडी जी ना बहुत पिछले कि मैं लगता बारिश वगैरह जो वसी है उनकी वजह तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह जी ना ठंडी हवा आ रही है। और पानी वगैरह जेना सुबह सुबह मैं इन्होंने जो है छिड़किया, और यह डोडिया जो फिर कटता पे जे मुर्गिया तो बचिया तो क्योंकि इस बूटे जेना सब तो ज़्यादा जेना ग्रो किया इस बूटे, लेकिन इन डोडिया जिन्या मुर्गिया ने खराब की किसी बूटे दी नहीं की, बहुत ज़्यादा इस बूटे की जी डोडिया मुर्गिया ने जी इन्ना खराब की। और मैं कल जेना देख लिया गौर ना साडा जेना अमरूद एको भी जेना लग्या खोता, और 2 अनार लगे ने और 1 अमरूद जेना लग्या, बाकी बेगम साहब जेना ना झाड़ू वगैरह जेना ला लिया सारा टोटल जी ना साफ सफाई जी ना कर ली गई, झाड़ वगैरह जेना सारा टोटल बेगम साहब और जेना ला लिया। और रात ना मौसम खराब आ,
चलो सारा जड़ वगैरा जो लाल है हुण फिर इत्थे रेता जिहड़ा ना आ जाना मिसाला बनना। बाकी बच्चे कौन उठी जाले? चलो अच्छा चलो हाँ जी चलो ठीक दूध लैन दा चलो ठीक हो गया। और बाकी मैं भी जरा ना मोटर जी ना चलाई आ ते इटा जड़ियां ना वो तार कुछ जड़ियां ना कर लवा भाई और आँ तो पहला पहला क्योंकि जरा इटा सारा दिन जड़ियां ना तार करने आ पता नहीं मसला की आ इटा जड़ियां ना मतलब खुशा की रहिंदिया तार होंदिया ही नहीं। और मोटर में ना जरा ना अंदरों ही जरा चलिया खोता पानी उपरों टंकी लू जरा बह रहा और इटा भी तार करने लेकिन मोटर जी बंद कर ली जी इटा वगैरह जी तो 500-600 जी ना मैं तार कर लिया हूँ जरा ना हैल है कुकर जी ना ये इंशाला जी उसर जा भी इन्हें ना फिर जरा ना होर तार जी ना कर लवेंगे। तो दूसरा यह आ कि पानी वगैरह जो दीवार में लाना लाजम तार भी जी होगी साढ़े नहीं पानी वगैरह तार तार कह रहा तार को टपया दीवार में जो ना लाना लेकिन इतने जिस टाइम मिस्त्री आएगा ना तो इंज करके लम्मी गो होगी उदो जो लावा क्योंकि इतने जो पैंप का प्रेशर प्रैशर जो ना कोई नहीं जाना क्योंकि इतने जो टेंकी बराबर हो जाता इतों उपर जो पानी बंद हो जाता तो इस करके जो ना फिर वो आ जाते हैं तो उस तो बाद जो ना गो होगी गाडर की दोवें गाडर की लम्मी गो हो जाएगी फिर इतने कोई टप वगैरह या बाल्टी जी ना भरी रखा उपर जो किसी बर्तन में पानी जो ला लवेंगे जी। बेगम साहब और जो नाश्ता बना रहे हैं लेकिन जो ना अच्छ बहुत ही ज्यादा जो मुश्किल है क्योंकि हवा काफ़ी ज्यादा जी तेज है पर मंजा जो भी खड़ा किया लेकिन फिर भी जो अग सही नहीं बल रही एक तो गट्टा बहुत ज्यादा उड़ रहा एक जो ना दुआ जो बनया खड़ोता कोई नहीं इंशाल्लाह अपना किचन बन गया फिर सारी परेशानी टेंशन दूर हो जाएगी। हाँ जी ला लो थले दो तो पौना कोल रखिया करो ना पौना दिया चंगेरा नेट चलो जी नुमान भी जेड़ा ना आ गया माशाल्लाह लाल वाली माशाल्लाह आज मैं स्कूल से छुट्टी है तो काफी सारा जेड़ा ना खुश है मैं ना हां और निजा फातिमा पंखा जेड़ा ना चक्की फिरदी है आज गर्मी तो कोई नहीं एता चक्की फिरदी अंदर दादा मुंगे से बिजली अच्छा तां चक्की फिरदी चलो ठीक हो गया नाश्ता कर लो नाश्ता करके फिर लाल तुसी आराम करो क्योंकि गट्टा मिट्टी बाहर उड़िया खोता ठीक हो गया ते उस तो बाद जेड़ा ना उस तो बाद फिर जेड़ा तुसी सौंज गया ठीक हो गया ना। हाँ जी भाई बरार भी जेड़े आ गए और मिसाला जेड़े असं बना रहे हैं अच्छ थोड़ा हूँ सारा पहले जो बाल्टी के भरन लगे पानी और मैं जो दीवार से खड़ो के भाई और जेड़े पकड़ावे उपरों जो किसी बर्तन ने पानी वगैरह जो दीवार सारे जेड़ा लाने मैं तो काफ़ी सारा तो चुनाई जी ना कच्ची ना हो जाए पानी वगैरह जो कुछ थोड़ी साइड लाया बाकी भाई और जो नुक्का तो पिछले चन्ने ला रहे मैं उन्नी देर कर मिसाला बना लवा क्योंकि मिस्त्री जो ना वा और मिसाला ही थोड़ा बना रहे हैं क्योंकि डेली बोरी तो मिसाला जो ना बना लेंगे तो शाम तक जो मिसाले की अगली मजबूती नहीं रह जाती। फिर जाके मसाला
भाई और भी जेड़े ना ट्राई की खड़े मिस्त्री दया मैं पानी पा लिशा रल तक गया होना सही है ना हाँ ना थोड़ा मसाला जल्दी तैयार भी हो जाना और चूचे ने जेड़ा ना मैं कड़ता हो गोल उपली डोडियाँ खाते भी नहीं टोक टोक के सट्ट गए उधर रेह थले चले जाओ नहीं नहीं जान कर दे कुत्ता कह रहा जान कर रहे चलो और छोटा जहा लेकिन जेने मार पहरे का हो गया हूँ वो कुत्ता है छोटा रात में थोड़ा जहा ही कोई खड़क वगैरह हो जाए जो दरवाजे लोसी भी लाभ है तो फौरन जेने रौला पा देता हाँ हूँ वड्डा कुत्ता जेने सुता रहा या फातमा पर जवाब चली गया और जी बाकी मिस्त्री आ जाता फिर पानी पाने और इंशाल्लाह पहले जी ने नुक्कर जी ने सार ली एक मार एडी बारी आप पैदल ही साइड तू रखनी गाढ़ा नलो ही तीन चार दियाँ तीन फुट चौड़ी चार फुट उच्ची ठीक है ना तो ये शीशा लवा देवे एक तो मतलब जो खाना वगैरह पकाने लगे ताजी हवा होगी ए ना जो गुबरांडा पै जाना इधर हवा वगैरह बिल्कुल बंद होगी किचन हवादार नहीं होना क्योंकि अंदर जो अग बड़ी करेगी ना गर्मियों च भावें सर्दियाँ सेका बहुत बनेगा एवं ना अदरों होगा हवा वगैरह ताजी आई करेगी बारिश वगैरह आ गई तो बारी वगैरह बंद कर ली करा गया वही ना लेकिन आप पर फुल वगैरह जो खिले हुए होने ना तो बड़ा माहौल बनया करेगा खूबसूरत लगेगी बारी इस साइड लो तो इंशाल्लाह मिस्त्री आ जाता ना नुक्कर उसार के लेंटर पवा के उस बाद उतना चलना ही उसारना तो उधरों जी ने बारी रखा हाँ जी निजा फातमा चूचिया ने जा रही है मैं भी इधर आ गया बहर तंदूर तू जाए छापर हो जाए लाल भी बदल वगैरह जाए बिल्कुल ही कोई नहीं है छापर ला ली मैं जाना कुछ एक दो ही बेगे तो मिस्त्री तो मजदूर की दिहाड़ी जी कि बन जाएगी इस करके मैं तंदूरत कागज जगह ला भी और बिजिया सिर्फ हो एक तंदूर उन पैर का नुकसान होया बाकी पता नहीं टूट किस तरह गया
ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪਏ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੱਟਾ ਵੱਟਾ ਹੀ ਮਾਰੇ ਹੁਣ छापर वगैरह जे लै गया हूं चल कि मिसाला बनाने क्योंकि मिस्त्री ने जो कॉल की रमिंदर फसा देर मिस्त्री ने कॉल की आया खड़ोता मिसाले पानी वगैरह जो पा दिने जी मिस्त्री भी जो आ गया मिसाले बिच पानी जो पा लिया मिसाला तैयार हो गया और बई रुपये जाना नुक्कर जाना एक कोना जो सारे लगे बारी सरकार आप इतों ही रखनी है ठीक है हाँ जी तो अच्छे लेंटर फिर जासी ने बारह एक बजे तिकर तो उस बाद जाना इो चन्ना उसार कि इधरों जन बारी रखा अगले बार भी जेने माशाला मुकम्मल जेड़े नोए खोते बस पांच छे बार जेन उपर होर जेन दिपने ने फिर जेन होगा काले दिक्को वारी जेन सारा वो टोटल लंटर फिरेगा फिर अस चन्ने ते जेने ना आवेंगे और मुर्गे भी जेने ते फिर रहे कमरे बन गए तो फिर इधर तुसा किधे आना थले आ जा इंदा डर काफी रहिंदा पर जेने ने बिजली आ गई ना दीवार लो ते भी मेहमान ही बनया खड़ोता बिल्ली जेने ज्यादातर वो मेरे वाली टंकी जेने थले आण के बह जाती है उधर बाई नवाज ले ते का तू इंदा खतरा बस चलो कोई नहीं सुने लगे हवाले और गार्डन माशाला जेने काफ़ी प्यारा जेने और है और वाकई इत्थे जो बारी लगेगी ना पर फुल वगैरह खिले हुए बनगे ताज़ा हवा आई करेगी बड़ा ही खूबसूरत जेड़ा माहौल इतों बारी वाला जेड़ा बनेगा और अज इंशाल्लाह जेड़े ने इतों बारी जी ना रखी जानी है जी बाकी अज का ए वाला विलाग भी जेड़े ने इतने खत्म कर रहे और नुमान जेड़ा ना कर रहा इटा तार नुमान कर ली है इटा तार कपड़े खराब उसने कपड़े खराब उसने इटा मैं तार कर लेना बड़ा ही शौक ना कर रहा और एक उस जी बारी जी ने इतों रखी हुएगी विंडो ठीक है ना और बड़ा सोहनी लगेगी है ना उधरों ही हो जाएगी तो इधरों ही हो जाएगी है विंडो आप लवाई तो रखवाई तो जाने विंडो जीदियाँ ही बड़िया महंगी ने हूँ क्यों मर्द दा मैं शौक शौक तो हम तेरे को विंडो जी रखवाई जाने भी इतने विंडो देते भी दीदियाँ ही साहब महंगी ने हाँ आस्ते आस्ते इंशाल्लाह जो हो जाएगी पहले विंडो लवा लवेंगे त्रेई उस बाद जो ठहर के दरवाजे जेड़े ने लवा लवेंगे हाँ सारा इंशाल्लाह जो आस्ते आस्ते जो हो जाएगा शुरू कर लिया हूँ काम कभी ना कभी मुकम्मल हो ही जाना इंशाल्लाह और बाकी आज दा विलाग इतने ही खत्म करने इंशाल्लाह मिलने किसी नेक्स्ट अच्छे अच्छे विलाग के अपना ढेर सारा ख्याल रखे जी दुआवां याद रखे जी अल्लाह हाफिज़।